हेलो दोस्तों, नमस्कार। यह है इंट्रा V50 जिसका हमने लोड टेस्ट किया था 6250 किलो पे। आज हम करेंगे फ्यूल टेस्ट। हम इसको मीटर को ट्रिप कर देते हैं और देखते हैं, फ्यूल डलवाते हैं। ये गाड़ी में कुछ फ्यूल है नहीं, 35 लीटर का टैंक है। मेरे हिसाब से पूरा टैंक खाली है, 35 लीटर ही आना चाहिए। और गाड़ी में हमने फ्यूल भरा लिया और ये लोड टेस्ट जो आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरह का होगा, हसीन सा, खूबसूरत सा, मज़ेदार। ये देखिए, ये फ्यूल डला रहे हैं हम और इसमें फ्यूल आ चुका है 35 लीटर। आई थिंक 35 लीटर फ्यूल हमने डला लिया है। अब हम यहाँ से निकल, आप गाड़ी चला रहे चलाओगे ये इंट्रा V50? हाँ। तो ये 3 महीने हुए इसलिए, है ना? 3 महीने हुए ना। हाँ। अभी आप चला रहे हो तो चाय की चुस्के के साथ बताओगे, मतलब गाड़ी क्या माइलेज दे रही है? मतलब माइलेज तो अपन निकाल लेंगे। हाँ। पर वजन वगैरह में, मतलब कितना वजन ले आते हो? 5-5.5 टन भर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये हसी वादियों में एक लोड टेस्ट शुरू हुआ है। बहुत ही खूबसूरत सी हसीन सी वादियाँ हैं। देखिए, मौसम एकदम सुहाना है और सुहाने मौसम में 5 टन वजन। इसमें अभी 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 इस गाड़ी में कितना वजन होगा? 5 टन। इसमें 5 टन करीब होगा, मतलब 1500 टाइल्स है इसमें, 1500-1600 है ना। इसका वजन होगा करीब करीब 5 टन। बढ़िया है। तो दोस्तों, चल पड़ी है इंट्रा V50 5 टन वजन के साथ एक बहुत खूबसूरत से रोड पे। और ये रोड हमेशा खूबसूरत नहीं रहेगा, ये आगे ऑफ रोड पे भी चलेगी, ऑन रोड पे भी चलेगी। तो देखिए कितनी लंबी गाड़ी है। पहले हम आपको दिखा रहे हैं इसका 9.8 फीट का डाला है, जो कितना लंबा है और कितने अच्छे से टाइल्स जमे हुए हैं। ये ऊपर का पोर्शन है जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, ये देखिए, शानदार सा लुक और बहुत ही शानदार तरीके से गाड़ी चल रही है। आप ये इमेजिन करिए कि गाड़ी कितने अच्छे से अपना वजन ले जा रही है। और रोड कोई इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, मतलब इतना ख़राब भी नहीं है तो इतना अच्छा भी नहीं है। और ये करीब करीब हम जो पूरा रोड टेस्ट करेंगे, जो ये फ्यूल टेस्ट करेंगे, करीब करीब 150 किलोमीटर के ऊपर ही होगा। तो चलिए, बने रहिए और देखिए खूबसूरत वादियों में खूबसूरत सा लोड टेस्ट। ये गाड़ी पूरी लोड होते टाइम जब हमने भरी थी, उसके बाद इस तरह से इस गाड़ी को पूरा लोड किया और लोड करने के बाद एक छोटा सा वीडियो बनाया जो आप देख रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए कि गाड़ी किस तरह से भरी हुई है। गाड़ी का लुक शानदार है, 15 इंच के टायर हैं, 5 बोल्ट के टायर हैं, शानदार से। दोस्तों, ये समय है और समय ये है कि पिकअप में सबसे अच्छी पिकअप इंट्रा V50 है। देखिए क्या शानदार से चल रही है, एक खूबसूरत सा हमारा देश, खूबसूरत से हमारी वादियाँ और खूबसूरत सा एक इंट्रा V50 पिकअप। तो आप इस पिकअप के साथ क्यों ना इस पिकअप के साथ बिजनेस की शुरुआत करें, यही हम बताना चाहते हैं। हमने लोड टेस्ट किया है बताने के लिए कि कितने से ज़्यादा ये लोड ले जा सकती है। आज हम फ्यूल टेस्ट दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि माइलेज कितना देती है। तो आप बने रहिए और देखिए इंट्रा V50 15 इंच का टायर, 9.8 फीट का डाला और 79 HP का पावर, और क्या चाहिए एक पिकअप में। इसमें इस पिकअप की सबसे बड़ी बड़ी खूबियाँ हैं और ये पिकअप सबसे अच्छी पिकअपों में से। इस पिकअप के ऊपर बैठकर भी मुझे किसी तरह का असहज महसूस नहीं हुआ और चलाते टाइम ना ड्राइवर को कोई असहज महसूस हुआ। अब वैसे हम इस एरिया में हैं जहाँ पे गाड़ी चलना बहुत मुश्किल होता है, मतलब सिंगल रोड आ चुका है। सिंगल रोड पे आप देखेंगे कि गाड़ियों को चलना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे यहाँ के रोड इतने अच्छे होते ही नहीं हैं। तो चलिए हम देखते हैं ड्राइवर क्या सोचते हैं इस बारे में। गाड़ी चलने में कैसी लगती है? और स्टीयरिंग वगैरह? एक नंबर। बढ़िया। हाँ। आपको थकान वगैरह महसूस होती है? अरे नहीं नहीं नहीं, मतलब थकने का कोई रोल नहीं है? नहीं। इसके पहले वाली कोई गाड़ी पहले कोई चली इसके पहले आपने? 407 चली थी। तो वो भी टाटा की गाड़ी है। कैसी चलती थी? वो भी एक नंबर चलती। एक नंबर, मतलब टाटा कुल मिला के टाटा ही टाटा। और दोस्तों, आपने देखा, आप ये ऑफ रोड है, ये ऐसा रोड है, मेरे हिसाब से रोड क्या है, गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढे हैं, जो भी है, लेकिन ठीक तो नहीं है, बहुत ही ख़राब है। ऐसी जगह पर भी इंट्रा स्टेबिलिटी के साथ चल रही है, क्योंकि 15 इंच के टायर हैं और बढ़िया सी गाड़ी है। पावर स्टीयरिंग, एंटी रिफ्लेक्टर ग्लास और 79 HP का पावर इंजन, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? इससे अच्छी पिकअप हो भी नहीं सकती। एक बहुत ही शानदार पिकअप जो किसी भी रोड पर चलने में सक्षम है, वो है इंट्रा V50। हम इसका फ्यूल टेस्ट कर रहे हैं, 150 किलोमीटर फ्यूल टेस्ट के लिए ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि गाड़ी में लोड तो आप अच्छा डाल सकते हैं, लेकिन लोड के साथ माइलेज कितना आएगा। तो
तो आपको माइलेज देखने के लिए बने रहना है, वो भी ऐसे रोड पे जिस पे कोई चलाना पसंद नहीं करता है। देखिए आप इस तरह के रोड पे भी अगर इंट्रा अच्छा माइलेज दे देती है तो आप यकीन करिए कि इससे अच्छी पिकअप कोई हो ही नहीं सकती है। ये एक बेहतरीन पिकअप है, इसके अंदर 79 HP का पावर है, पावर स्टीयरिंग है, 9.8 का डाला है और शानदार पिकअप है। और ये जो शानदार सी वादियाँ दिख रही है आपको, ये जो जगह दिख रही है, हमारे देश के गांव हैं। गांव में भारत बसता है और भारत में आत्मा होती है, दिल होता है, सब कुछ होता है। तो आप देखिए कितनी खूबसूरत जगह है। इस जगह पे हम एक फ्यूल टेस्ट दे रहे हैं लोड ट्रायल के साथ, 5 टन के वजन के साथ। ये जगह फतेहगढ़ है, यहाँ एक किला भी है, मैं आपको दिखाना चाहता था लेकिन क्या करूँ, रास्ते में गाड़ी रोक नहीं सकता। और ये हमारे ड्राइवर हैं, बड़े मस्ती से गाड़ी चला रहे हैं, इनको ना थकान हो रही है ना किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है। एक बात तो और दोस्तों कि टाटा जिस तरह से आपका ध्यान रखता है, एक अच्छी पिकअप बनाता है, अच्छे व्हीकल्स आपको देता है, काश कि आप भी एक अच्छे से विधायक, अच्छे से सांसद हमें दें ताकि रोड वगैरह सब अच्छे से बने। लोड ट्रायल जहाँ पर लोड उतारना था हम उतार चुके हैं, अब यहाँ खाली होने के बाद लोड हम वापस से जाएंगे जहाँ से हमने लोड को भरा था। और गाड़ी 72 की स्पीड पे चल रही है, मतलब गाड़ी में स्टेबिलिटी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइवर भी बड़ी शांत तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, कंसंट्रेट इनका भी बना हुआ है। अब हम वापस जा रहे हैं और एक अच्छे से व्यू के साथ, बढ़िया से बादल, बढ़िया सा रोड और एक बढ़िया सी गाड़ी, साथ में आपको दिखाएंगे राजस्थान के बेर। जी हाँ, ये बेर भी आप अगर इस रोड पर कभी निकलेंगे फतेहगढ़ पर तो आपको बेर मिलेंगे, आप इसको भी टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं चलते 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 कितने किलोमीटर ये गाड़ी चलती है और क्या माइलेज देती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि गाड़ी पिकअप है, वजन अच्छा कैरी करती है, तो ये लोड कितना उठाएगी और उस लोड के साथ क्या माइलेज देती है, ये मायने रखा जाएगा। कितने किलोमीटर चल गई अभी तक? 141 किलोमीटर चल रही है। अब गाड़ी को हम वापस लेकर आए हैं यहाँ पे पंप पे, ये देखने के लिए कि कितना इसमें फ्यूल आएगा, उसके बाद पूरा पता चलेगा कि इसमें कितना माइलेज आ रहा है। तो दोस्तों अब इसमें डीजल हम भरवा के देखते हैं कितना आता है, जितना आएगा और जितने किलोमीटर चले हैं उसके हिसाब से तय हो जाएगा कि इस गाड़ी का माइलेज कितना आता है, ये गाड़ी आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद है। आपको जो टाटा एक वादा करती है मुनाफे का सौदा, वो है या नहीं, और वो भी 5 टन लोड के साथ। जी हाँ, अब देखते हैं कितना आ रहा है। अरे भैया इसमें तो आ रहा है, कितना हो गया ये बढ़ता ही जा रहा है। देखते हैं कितना आता है, 6 हो गया, 7 लीटर हो गया है, 8 हो गया, 8 के बाद अब देखते हैं 9 भी हो गया, भैया 9 क्रॉस हो गया, 10 पे जाके रुका है, मतलब कुछ दिक्कत, अच्छा 10.16, चलिए मतलब 10 लीटर इसमें फ्यूल आया है। और गाड़ी कितनी चली है ये देखते हैं, कितने किलोमीटर चली है एक बार दिखाओ। 152, मतलब दोस्तों 152 और 10 लीटर, मतलब 15 के ऊपर का एवरेज, 5 टन के साथ 15 का एवरेज, वाह इंट्रा वाह, मान गए तुम्हें, सैल्यूट है।